नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी दीवान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और रविवार स्पेशल में आप लोग के लिए कुछ ना कुछ बचपन से जुड़े से यादें से संबंधित वीडियो या कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का अनबॉक्सिंग से संबंधित वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का रविवार को हम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आप लोग थंबनेल को देख के समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग की ओर। नमस्कार, आज के अनबॉक्सिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा अमेजन से आया हुआ एक पैकेट। अब इसको हम उठा के देखे तो कुछ वजन लगता है, तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं। तो अमेजन से जो चीज़ मंगाते हैं तो इस तरह से पैकिंग होकर आता है। तो चलिए हम इसको फटाफट खोलते हैं। तो हमने कैंची को ले लिए हैं, तो इसको यहाँ से इसको हम फटाफट खोलते हैं। ये ऐसा खुल गया, अब इसको खोलता हूँ। देखिए यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, बहुत चिपका के रखे हैं लोग, लेकिन बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं करने के लिए। दोस्तों, यह रहा आपका स्पीकर। यहाँ पर लिखा है इसका एसेसरीज। अब ये चित्र आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्पीकर का। इसको बूम बॉक्स वाले स्पीकर है और यहाँ पर मॉडल नंबर दिया हुआ है BT750BK। और यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं स्पीकर के। अब यहाँ पर आप लोग दिखाता हूँ, वायरलेस वर्किंग रेंज 18 मीटर का है इसका रेंज। अब मल्टीपल कनेक्टिविटी है, मतलब एक साथ ही इसको कनेक्ट किया जा सकता है। टाइप सी चार्जिंग है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी टाइप सी का जमाना है। और इसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ, एक्स इनपुट है, इसे किसी भी डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है, चाहे आपका CD प्लेयर हो, वॉकमैन हो या कंप्यूटर हो, तो ऑक्स केबल के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हो स्पीकर को। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट भी दिया हुआ है, छोटा वाला जो माइक्रो SD कार्ड आता है जो आप लोग मोबाइल में लगाते हो, वही वाला कार्ड इसमें लग जाएगा। और इसका मैं चार्जिंग का दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है चार्जिंग टाइम अप टू 3 आवर, मतलब 3 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। उसका वर्किंग टाइम टू 15 घंटे, मतलब 15 घंटे तक आप इसको चला सकते हो कंटिन्यू। ठीक है, 15 घंटा बहुत होता है और 15 घंटा तो कोई गाना नहीं सुनता है, मतलब आप इसको 2-3 दिन तक ऐसे ही सुन सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लिखा है हैप्पी गुड़ी 7। यहाँ पर जो आपका पानी का पूर्ण का चित्र दिख रहा है, इसके मतलब समझ जाए ये वाटर प्रूफ है, मतलब 30 मिनट तक ये झेल सकता है। अब यहाँ पर कुछ और फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पर TVS फेट फॉर 2 VT, मतलब इसमें डबल स्पीकर दिया हुआ है, बीच में बूफर दिया होता है, अगल बगल में एक स्पीकर दिया होता है। पावर आउटपुट 20 वाट का है, तो मतलब दमदार आवाज निकलेगा जब हम इसको चला के देखेंगे तो। और यहाँ पर 48 mm पावरफुल बेस ड्राइवर भी दिया हुआ है, मतलब बड़ा सा बेस ड्राइवर भी दिया हुआ है। आप सोचिए कितनी लाउडलेस आवाज होगी इसकी, कितनी तेज आवाज होगी। ठीक है, तो आप लोगों को दिखा दिया हूँ। यहाँ पीछे साइड भी कुछ फीचर्स दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड। तो सारी चीजें मैंने बता दिए हैं, तो चलिए हम उसको फटाफट खोल के देखते हैं। टाइट पैकिंग किया गया है, सील पैक, तो इसको मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। तो इसको कैसे खुलेगा, प्लेट वेट चलाना पड़ेगा ऐसा लगता है। चलिए हम कैंची से चला के देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको खोल लिए हैं इसकी पन्नी को, अब इसको पूरा खोल देते हैं। अब बहुत टाइट पैकिंग होकर आया हुआ है और इसकी पैकिंग इतना अच्छा लग रहा है, इसकी पैकिंग पूरा पैक होगा इसका। अब इसको अब खोलते कैसे हैं, मेरे को तो खोलने भी नहीं आ रहा है। बाप रे, ऐसा खुलेगा। ठीक है, तो ऐसा खोलते हैं। तो
ये ऐसा खुलता है तो बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी पैकिंग आप लोग देख रहे हो, देखिए जब स्पीकर जब खुलेगा तो ऐसा दिखेगा। ये पावर का बटन है, लाइट का है, माइनस प्लस आवाज़ को कम ज़्यादा करने का है, प्ले का है, ये मैनुअल का है, अलग अलग मोड में इसको चला सकते हैं। चलिए इसको आराम से खोल के दिखाता हूँ मैं। ये खुल गया, आप देखिए यहाँ भी पैकिंग हुआ है। इसको भी वो खोल के देखते हैं, इसके अंदर कुछ वायर भी होगा, अक्स केबल एवल जो भी है, चार्जिंग चार्जिंग केबल इसमें भराया रहता है। चलिए खोल के देखते हैं इसको, यहाँ से ऐसा खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको केबल दिखाता हूँ, देखिए ये अक्स केबल है। तो दोनों तरफ इसमें ऑडियो जैक दिया हुआ है। इसके बाद एक और केबल निकलेगा, ये आपका चार्जिंग केबल है सी टाइप का। तो बहुत अच्छी बात है जो कि आज के ज़माने में सी टाइप का यूज़ होता है। तो मेरे को भी बहुत पसंद आया इसका सी टाइप। जब मोबाइल में चार्ज करता हूँ तो बढ़िया लगता है इसको चार्जिंग करने में और डाटा ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, और सारे को हम साइड कर देते हैं। ये खाली हो गया, कुछ नहीं है। और ये इसका डब्बा, और ये इसके अंदर का डब्बा, अच्छा पैकिंग किया है इसका वाले कंपनी वाले ने। इसके बाद हम इसको खोल के देखते हैं, इसको अब खोल के देखते हैं, इसके अंदर है इसका मेन। तो बहुत वजन है, और इसका हुक है इसका, तो ये देखिए दोस्तों। हम लोग इसका बॉक्स को कट्टे से तो हमने तो बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ। तो ये हमारा स्पीकर है, और ये इसका का ब्रांडिंग किया गया है, यहाँ पर जालीदार कवर किया गया है दोनों तरफ। इसके अंदर जाली तरफ देखोगे तो यहाँ पर बड़ा सा वूफर लगा हुआ है, और अगल बगल स्पीकर दिया हुआ है, पीछे साइड रेडिएटर भी दिया हुआ है, जिससे जिससे आपका जो बेस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, इसलिए यहाँ पर रेडिएटर दिया हुआ है। और यहाँ पर ऊपर में पूरा बटन दिया हुआ है, जैसे मैनुअल है, प्लस माइनस, ये आवाज़ बढ़ाने का है, पिच का प्ले का बटन है, ये आपका ऑन ऑफ करने का है। और ये यहाँ पर जैसे चार्ज करोगे तो यहाँ पर लाल रंग दिखाई देता है, अभी ये 30% चार्ज हुआ है। और ये ब्लूटूथ का निशान है, मतलब ब्लूटूथ चालू है। और यहाँ पर हुक दिया हुआ है, चाहे हुक लटका सकते हो, यहाँ पर ये स्टील का हुक दिया हुआ है, बहुत अच्छा मजबूत है। और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्ड लगाने के लिए भी दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका अक्स ऑन भी दिया हुआ है। अपने केबल के थ्रू से आप सीडी प्लेयर या कैसेट प्लेयर या कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो हमने पहले से कनेक्ट करके रख दिए हैं, और यहाँ पर एक गाना चलाने जा रहे हैं, मोहरा पिक्चर का है। आप लोग देखिएगा इसकी आवाज़ कैसी है। इसको आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत लाउड आवाज़ में आ रही है, और बहुत स्पष्ट रूप से आवाज आ रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।
दोस्तों आप लोग आवाज़ सुनकर तो आइडिया हो गया होगा इसकी आवाज़ कैसी है। तो मैं स्मार्टफोन के माइक से सुना रहा हूँ, लेकिन हकीकत में सुनोगे तो इसकी बेस बहुत ज़्यादा है और इसकी वॉल्यूम मैंने बढ़ा कर रख दिया हूँ, तो बहुत तेज़ आवाज़ आता है। और ये 20 वाट का है, बहुत अच्छा साउंड देता है और इससे ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने प्ले कर दिए हैं, ठीक है, तो आपको पसंद आ गया होगा। चलिए हम एक और प्ले करके देखते हैं। मेरे पास एक ऑडियो प्लेयर भी है वॉकमैन की, उसके माध्यम से हम इसको सुना के दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है, उसके साथ कैसे तालमेल रहता है ऑडियो कैसेट और स्पीकर के साथ। और हमारे पास केबल भी है ऑक्स केबल, तो इसके माध्यम से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यार अपना ऑक्स केबल जिसको ऑक्सिलरी केबल बोलते हैं, इसको खोल लेते हैं और अपना जो वॉकमैन है इसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ पर ऐसे करके। तो ये लग गया, अब स्पीकर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। AUX mode. चलो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम प्लेयर कैसेट प्लेयर को ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी, मेरे बाप की बीवी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी का भाई मेरे को भांजा बोलता। तो हमने इसको सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिए हैं इसके साथ, तो अच्छी आवाज़ आ रहा है। तो इसको हम फिर कैसेट प्लेट के देखते हैं। ये चल मेरे भाई का मैं कैसेट लगाया हूँ, आप इसको प्ले करके देखते हैं। बहुत अच्छी आवाज़ है। तो हमने मोबाइल को भी कनेक्ट करके देख लिए और ये अपना ऑडियो कैसेट प्लेयर वॉकमैन को भी कनेक्ट करके देख लिए, तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर इसको रियल में सुनोगे तो और मज़ा आएगा। अभी आपको वीडियो देख के उतना आइडिया तो नहीं हो पा रहा होगा कि इसका आवाज़ कैसा है, लेकिन इसको रियली में आप सुनोगे तो इसकी आवाज़ आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत क्लियरिटी है इसमें, कोई घगराहट की आवाज़ है नहीं है, कोई झंझट नहीं है इसमें, कोई शिकायत नहीं है घगराहट जैसे आवाज़, जैसे कोई ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने से स्पीकर फटने लगता है, तो इस टाइप का समस्या इसमें नहीं है। 20 वाट का है, बहुत अच्छी आवाज़ देती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग को समझ आ गया होगा, और साथ ही आप लोगों को मैं प्ले करके भी बता दिया था एक मोबाइल से और दूसरा आपका ऑडियो कैसेट के माध्यम से मैंने प्ले करके दिखाए थे। दोनों में इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें बेस भी देता है, फुल वॉल्यूम में करके भी बजा के देख लिया हूँ, इसमें खड़खड़ा के जैसी समस्या नहीं है, बहुत अच्छी स्पीकर है। तो आप लोग भी खरीद सकते हो अपने हिसाब से। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दूंगा क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन चैनल है, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। जो चीज़ मैं खरीदता हूँ वो आप लोग के सामने मैं शेयर कर देता हूँ। तो अमेजन के वेबसाइट में जाइएगा और इसका आप सर्च कर सकते हो, यहाँ देख लो अच्छी तरह से, यहाँ लिखा हुआ है, इसके नाम से सर्च कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो। और इसका जो प्राइस है 3499 ऐसा कुछ है, तो ऑफर रेट चल रहा था, बहुत सस्ता चल रहा था, तो मैंने खरीद लिए। हो सकता है बाद में 4000
599 जैसे रेट बढ़ जाए, जो कि ऑफर रेट चल रहा था तो मैंने खरीद लिए थे। ठीक है, और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा। यदि आप इस चैनल में नए आ गए तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर दिएगा। और इस तरह का मैं नए नए चीजें लेकर आते हूँ, चाहे गैजेट से संबंधित हो, चाहे आपका एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।